हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अलर्ट्स फॉर जॉब्स में। अध्याय 3, आरंभिक नगर। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 जो है वो क्लास 6 की एनसीईआरटी, हिंदी की जो एनसीईआरटी है वो हम लोग कर रहे हैं। और आज जो चैप्टर है हमारा, आप लोग देख पा रहे हैं, आरंभिक नगर है। तो आरंभिक नगर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो लोकेशन थी, जो शुरुआती जो नगर बसे थे उनकी क्या क्या लोकेशन थी, और उनकी लोकेशन के बेस पर उन चीज़ों में, उन जगहों पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो यूनिक मिली, और उन चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो लोग किस तरह के घरों में रहते थे, क्या वो चीज़ें, क्या वो प्रैक्टिसेस करते थे। ऐसी चीज़ें जो है इस चैप्टर से हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हड़प्पा से। तो हड़प्पा एक शहर है जो कि आज के पाकिस्तान जो वाले इलाके में है, और 150 साल पहले सबसे पहले जो है ये, जब पंजाब में, जब जो अनडिवाइडेड पंजाब था आज़ादी से पहले, वहाँ पर जब अंग्रेज रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तो वो जो इंजीनियर थे उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, पर उन्होंने इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, और वहाँ से चीज़ें उखाड़ उखाड़ कर भी ले गए बहुत सारे, जो कि रेलवे लाइन जो बनाने में जो चीज़ें लगी उसमें उनको काम में लिया गया। लेकिन 80 साल पहले, यानी कि आज से अगर हम लोग बात करें तो आज़ादी के कुछ थोड़े दिन पहले, 5-4 साल पहले, हम लोग देखेंगे कि पुरातत्वविदों ने फिर से इस जगह को ढूंढा, और पता चला, क्या पता चला, यह है कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कौन सा? हड़प्पा। ठीक है, इस नगर के बाद में इस स्थान पर बाकी जो भी चीजें मिली उनको हड़प्पा सभ्यता की चीजें बोला गया, और जो इमारतें थी उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें बोला गया। तो अगर बात करें ये शहर बना कब, तो आज से 4700 साल पहले, यानी कि अगर रफली हम लोग बात करें तो 2700 BCE बिफोर क्राइस्ट, है ना, 2700 ईस्वी पहले। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें आगे, इनकी विशेषताएं क्या थी इन शहरों की। देखिए, सबसे मेन जो विशेषता ये थी कि पूरा का पूरा शहर जो है वो पक्की ईंटों से इसकी चार दीवारियां बनाई गई थी। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था, पश्चिमी हिस्सा जिसको नगर दुर्ग बोला गया, नगर दुर्ग, और जो पूर्वी जो हिस्सा है उसको बोला गया निचला नगर। अगर इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे तो इसको इसको बोलते हैं सीटाडेल, सीटाडेल, एंड इसको बोलते हैं लोअर टाउन। ठीक है, यस। और एक खास बात यह थी कि सीटाडेल जो था थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था, और जो निचला शहर है वो नीचे स्थान पर बनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर दुर्ग या सीटाडेल में ऐसा माना जाता है कि वहां के राजा या वहां के शासक या वहां के पृष्ठ जो हैं वो लोग वहां पर रहते थे, और वो जो है नगर दुर्ग में रहते थे। ठीक है, और इतने मजबूत इनको बनाया गया था कि इनकी जो ईंटें हैं वो आज भी अच्छी तरीके से देखी जा सकती हैं। ठीक है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई, जैसे मोहनजोदाड़ो एक लोकेशन है, ये आप लोग देख पाएंगे ये, और यहाँ पर हड़प्पा देख पाएंगे आप लोग, ये राखीगढ़ी, कालीबंगा, चन्हुदारो या सतकांगे, सतको या धोलावीरा, सुतकौर कोतड़ा, है ना, लोथल, ये चीजें आप लोग देख पाएंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोकेशंस हैं। तो इन्हीं जगहों में से एक जगह है मोहनजोदड़ो, और आप लोग देख पाएंगे ये सिंधु नदी के ऊपर बसा हुआ था। तो यहाँ पर क्या करते थे लोगों ने, एक बड़ा सा जो है बाथटब टाइप एक स्नानागार बनाया, और इसमें ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल की परत जो है इस पर चढ़ाई गई थी, और इसमें कुछ खास बातें थी, जैसे कि इसके दो तरफ जो है, जैसे ये एक बड़ा सा हम लोग बनाए, इसमें दो तरफ जो है सीढ़ियां थी,
और इसके चारों तरफ बहुत सारे कमरे बनाए गए थे। अब देखिए क्यों बनाते हैं। जैसे आज भी हम लोग बहुत सारे सरोवरों में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि सरोवर के चारों ओर बहुत सारे रूम बने होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत सेक्रेट प्लेस है, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे जो संत हैं वो आकर रहेंगे, या फिर प्राइवेसी भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें उसके आसपास मिली। इसके बाद में कुछ और बातें हैं, जैसे कि सरोवर के दोनों ओर उतरने के लिए सीढ़ियां और चारों तरफ कमरे बनाए। इसे भरने के लिए कुओं से पानी निकाला जाता था और बाद में खाली कर दिया जाता था, ठीक है, और विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। विशेष नागरिक करते, जैसे कोई राजा हो गया, पृष्ठ हो गया, है ना, ये सब लोग वहां पर स्नान करते थे। अब दो और शहर बताए गए हैं, कालीबंगा और लोथल, ठीक है। इनमें क्या मिले? अग्निकुंड, जहां पर आग जलाए जाते थे, यानी कि संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल कुछ और शहर हैं जहां पर बड़े बड़े भंडार गृह मिले। अब क्योंकि देखिए ट्रेड होता था, बहुत सारा अनाज भी उगाया जाता था, तो ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पे जो है भंडार गृह भी मिले हैं, ठीक है। तो ये एक फोटो देख पाएंगे आप लोग महान स्नानागार की। ये सीढ़ियां बनी हुई हैं और चारों तरफ ये छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे बताया गया है भवन, नाले और सड़कें। तो नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिलों के होते थे। यस, घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी कि अगर हम लोग इस तरह से बनाए तो इस तरह से चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानागार होता था और घरों में कुएं भी होते थे। कुछ नगर में ढके हुए नाले मिले, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और ढलान भी बनाई जाती थी ताकि पानी आसानी से उसमें से बह सके। अब होता क्या था, जैसे हम लोग एक पैटर्न बनाए इस तरह से, और यहाँ पर बहुत सारे घर हैं इस तरह से, तो ये यहाँ से जो नालियां जाएंगी वो मेन लाइन नाली में जाकर मिलेगी। तो इस तरह के जो है पैटर्न वहां पे बनाए गए थे। और अब जो है कुछ चीजें और हैं, जैसे ये नालियां जो हैं अगर ढकी हुई होती थी तो इनको साफ करने के लिए मेन हॉल भी बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। तो आप लोग देख पाएंगे कि किस तरह से नाली में ढलान देना है, किस तरह से चीजों को सिस्टमेटिक बनाना है, तो इसके लिए पहले से प्लानिंग की जाती होगी। ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर से हमें पता चल रही है। नगरीय जीवन किस तरह का होता था, देखिए बड़ी हलचल होती रही होगी और कुछ लोग यहाँ रहते होंगे जो खास इमारतें बनाने में योजना में जुटे रहते थे। खास इमारतें बनाने की जो योजना है उसमें जुटे रहते थे। ये यहाँ के शासक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीजें भी मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी के आभूषणों जैसी कीमती चीजें जो है अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, शायद उन चीजों पर भी लिखते हैं जो नहीं बच पाई। तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर कोई कागज होगा उस टाइम पे, तो कागज तो जाहिर सी बात है अब तक नहीं बचा होगा। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि ये जो है इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स भी रहते थे जो कि व्यापार करने का काम करते थे। कुछ लिपिक जो लिखने का काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी रहते थे, शासक भी रहते थे। शासकों की पसंद क्या थी, वो मन के सोने चांदी के आभूषण, ये आप लोग बहुत आसानी से ये चीजें जानते हैं। ये चीजें उनके शौक के तौर पर वो रखते होंगे शायद, ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जो हैं वो स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, जो फैक्ट्री वर्कर्स हम लोग इनको बोल सकते हैं। लंबी यात्राएं करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर वस्तुओं की किस्से कहानियां। तो जैसे हम लोग अगर आज भी कहीं दूसरी जगह जाएंगे हमारे नेटिव स्थान को छोड़कर, तो हम वहाँ की चीजें जो है उनको लेकर आएंगे, वहाँ के किस्से, वहाँ की कहानियां, वहाँ के रिचुअल, ये चीजें हम लोग अपने साथ लेकर आ सकते हैं। मिट्टी से बने खिलौने भी मिलते थे जिनसे बच्चे खेलते थे, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे, ये एक मेन हॉल है। इसके अलावा ये एक मुहर है, ये आप लोग देख पाएंगे बच्चों के खिलौने हैं। तो ये सारी चीजें जो है वहां से मिलती थी। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें
एक मिनट। हाँ, अगर हम लोग बात करें नगर और नए शिल्प, ये किस तरह के होते थे? देखिए, पुरातत्वविदों ने को जो चीजें मिली वे अधिकतर पत्थर की थी। शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार बनाने, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से आभूषण और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक चीजों में मनके, बाट और फलक थे। ठीक है, मनके, बाट और फलक, ये चीजें थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। ये आयताकार होती थी। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरती लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये बाट देखेंगे आप लोग, जो वजन तोलने के काम आते होंगे। इसके बाद में ये एक मोहर है जिस पर जानवरों का आप लोग डिजाइन देख पाएंगे। ठीक है, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मेहरगढ़ एक साइट है मोहनजोदारो के पास में। मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। तो मोहनजोदारो एक ऐसी साइट है जहां से फूलदान के ढक्कन जो है वो कपड़े से बने हुए मिले। इसके अलावा कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए जो है आपके कपड़े मिले। पक्की मिट्टी और फ्रेंस, एक एक एलिमेंट है ये, फ्रेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत भी देती हैं। तो सूत कताई भी होती थी उस टाइम पे, यानी कि कपास की खेती भी होती थी। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशने के लिए, मन के चमकाने के लिए, मोहरों पर पच्चीकारी करना यानी कि उस पर जानवरों की तस्वीर बनाना। ये सारी चीजें जो है वो खास किस्म के लोग करते थे। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षण ढंग से बनाया जाएगा या उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से बनाई जाएगी, यह किसी विशेष मूर्तिकार का काम ही हो सकता है, जाहिर सी बात है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही इस काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर कुछ महिलाएं भी। तो ये चीजें हमें नहीं पता चली हैं। शायद कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं इस काम में काम करने वाली। तो फ्रेंड्स बताया, फ्रेंड्स क्या होता है? देखिए, फ्रेंड्स पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। बालू, स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। इसके बाद उन वस्तुओं को चिकनी परत चढ़ाई जाती है, और चिकनी परत के प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेंड से मन के चूड़ी बाले हरे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। देखिए, फ्रेंड्स क्या है, आप लोग आज भी देखेंगे चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं, क्ले के जो बर्तन आते हैं, उनमें भी तो ऐसा ही होता है कि वो पत्थर या कुछ ऐसे मटेरियल को पीस के उसमें कुछ गम मिला के उसको बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मटेरियल था ये फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद में कच्चे माल की खोज में, ये एक हेडिंग है, उसको हम देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, या तो कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिले हैं या किसान पशुपालक द्वारा उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कच्चे कपास को अगर कच्चा माल हम लोग बोले तो कताई और बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोग कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन लोहा, सोना जो है, तांबा, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ दूर दूर से आयात करते थे। तो किसी भी प्लेस में ये सारी चीजें एक साथ मिलना तो आज भी पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए लोग जो हैं इनका इंपोर्ट करते थे। ये आप लोग देखेंगे, ये एक गाड़ी बनाई हुई है जो कि मिट्टी से और लकड़ी से मिलकर बनी है। हड़प्पा के लोग तांबे के आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, जहाँ यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटका, बहुमूल्य पत्थर आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था।
तो आप लोग देखेंगे कि ये जो लोग थे ये इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे, यानी कि आसपास के जो जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां से भी जो है चीजों का इंपोर्ट करते थे। अब बात आती है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। तो लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, किसान, चरवाहे, शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाना जो है वो खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग कोई नई बात नहीं थी, मतलब करते थे वो। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इससे पता चलता है कि हल भी उस टाइम पे होता था। तो ये आप लोग देखेंगे, ये एक खिलौना है और इससे पता चलता है कि हल भी वो लोग यूज करते थे। ठीक है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए कुछ लोग इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी इसलिए सिंचाई के लिए कुछ लोगों ने तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है, तो सिंचाई का भी कुछ जो है सुविधा इसमें करी गई थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात में